नमस्कार, मैं एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी कक्षा दसवीं में पढ़ने वाले सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरा ये वीडियो विद्या भारती एवं माननीय श्री सत्यपाल जी हर्ष, जिनका संपूर्ण जीवन संघ और विद्या भारती की सेवा के रूप में देश को समर्पित था, उनको समर्पित करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने जो अंतिम प्रश्न करवाया था वो दो संख्याओं के एलसीएम और एससीएफ निकालने पर था। एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एससीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और आज का ये वीडियो उसी प्रकार के प्रश्नों को आगे पूरा करेगा। मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं आपको एलसीएम और एससीएफ के बेसिक समझाऊंगा अगली वीडियो में। हम आगे कुछ सवाल कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, उसके पहले एलसीएम और एससीएफ के बेसिक समझ लेते हैं, आपके काम आएंगे, देखिएगा। एलसीएम इसका क्या पूरा मतलब होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एससीएफ इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर इसको हिंदी में लिखें तो आएगा लघुतम समापवर्ती, इसका आएगा महत्तम समापवर्तक। अगर मैं समापवर्ती की संधि विच्छेद करूं हिंदी में तो सम प्लस अपवर्तीय हो गया ना, सम प्लस अपवर्तीय समापवर्ती। और ये लघुतम आगे लगा नहीं है, लघुतम सम अपवर्तीय। यहां करेंगे समापवर्तक की संधि विच्छेद तो सम प्लस अपवर्तक, और आगे महत्तम तो लगा नहीं है, महत्तम सम अपवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुतम सम अपवर्तीय, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एक सवाल लेते हैं हम सिंपल सा, 8 और 12 हमें इसका एलसीएम भी निकालना है और इनका एससीएफ भी निकालना है। मैं आपको पहले बेसिक मेथड बताता हूं जिससे कि आपको एलसीएम और एससीएफ की परिभाषा पता पड़ जाए। बेसिकली विधियां तो बहुत सारी है, 8 का एलसीएम निकालना, हम पहले निकालेंगे 8 के अपवर्ती यानी 8 के मल्टीपल। 8 का जो पहाड़ा बोलेंगे ना, उसके जो टेबल, वो सारे 8 के मल्टीपल होते हैं। जैसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48 चलता रहेगा। 8 1 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 40, ऐसे 12 के टेबल, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, और चलता रहेगा। दीज ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड दीज ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 12। अब हम निकालेंगे सम यानी कॉमन, कॉमन मल्टीपल कौन से हैं? आप ध्यान से अगर देखेंगे तो 24 दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में आ रहा है, 48 दोनों में आ रहा है, बीच में 32 40 इसमें पर इसमें नहीं है, 36 यहाँ पर वहां नहीं है। कॉमन मल्टीपल आप देखेंगे वो भी एक टेबल है 24 की, 24 एकम 24, 24 दूना 48, इसके बाद डेफिनेटली 24 3 72 आएगा, फिर डेफिनेटली 24 96 भी आएगा, इसका ये सब इसमें आएंगे। यहाँ भी देखिएगा 24 की आप टेबल बोल दो तो यहाँ पर भी आपके 7 2 9, लेकिन आते रहेंगे, इनफाइनेट है, कोई गिनती नहीं है। हमें बात करनी है लघुतम की, लोएस्ट की। ये जो कॉमन मल्टीपल है 24
फिर 48, फिर 72, फिर 96, ये सारे कॉमन मल्टीपल्स हैं। इनमें लोएस्ट कौन है, विच इज लोएस्ट, वो है 24। तो हम कहेंगे 8 और 12 का जो एलसीएम है वो 24 है, यानी कि 24 बहुत छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 8 और 12 का भाग पूरा पूरा जाता है। 24 इज दैट लोएस्ट नंबर विच डिवाइड 8 एंड 12। अब आप 12 और 8 का एलसीएम निकालेंगे अभी इस वीडियो में हम, अब आज गुणनखंड विधि से यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन उसके पहले बेसिक विधि जो आपने अब तक पढ़ी हुई छोटी कक्षा में वो ये है, जैसे 8 लिया और 12 लिया, 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से काटा, 2 एकम 2, 3 कटता नहीं है, 3 रह जाएगा, 3 से काटा, 1 और ये 3, ये 2, 2, 2 और 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 थी 24। ये वो सामान्य मेथड है ऐसे नहीं करना जो आप छोटी कक्षाओं में पढ़ते आए होंगे डेफिनेटली, अभी इससे नहीं करना है, आपके कोर्स में ही नहीं है, इससे करेंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे एग्जाम में। अभी तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है, लेकिन मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। 24 जो है 8 और 12 का एलसीएम है। अब बात करते हैं एचसीएफ की, भाई 8 है ना, इसके अपवर्तक निकालेंगे, अपवर्तक यानी कि फैक्टर्स, 8 के अंदर किस किस का भाग जा सकता है, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, ये 4 संख्याएं हैं जिनका भाग 8 में दे सकते हैं आप, यानी इन 4 के अलावा और किसी से 8 डिवाइड नहीं होगा। अब 12 में किसका भाग जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा और 12 का जाएगा, ये वो 6 संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 जिनका भाग 12 में जाएगा, या कह सकते हैं 12 इन 6 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं हो सकती। अब निकालेंगे कॉमन, क्योंकि ये निकाला मैंने अपवर्तक, अब निकालेंगे सम अपवर्तक, कॉमन फैक्टर। तो देखिए 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, अब कुछ कॉमन नहीं है, 3 इसमें है पर इसमें नहीं है, 8 इसमें है पर यहाँ नहीं है, 6 12 इसमें पर उसमें नहीं है, तो 1, 2 एंड 4 ये कॉमन फैक्टर्स हैं 8 और 12 के। अब इन कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा महत्तम यानी कि हाईएस्ट कौन सा है इसके अंदर, 4। हम कहेंगे 8 और 12 का एचसीएफ 4 है, 4 इज एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12, यानी कि 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग 8 और 12 में पूरा पूरा चला जाए। ये मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। वैसे 8 12 का एचसीएफ निकालने का एक तरीका मैं बता दूंगा आपको, आपने पढ़ा होगा, एक विधि है सीख लो, हमें 12 और 8 का भाग लगाना है। अब 12 और 8 का एचसीएफ निकालना है, तो 12 के अंदर क्या है कि मैंने 8 का भाग लगा दिया, 8 एकम 8, कितने बचे 4। अब 4 का भाग लगाया 8 के अंदर, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा। तो आखिरी बार भाग किसका लगाया पूरा पूरा, 4 का, तो 4 ही एचसीएफ हो गया, यानी वो नंबर जिससे हमने आखिरी बार भाग लगाया शेष में 0 बचा, ये 8 और 12 का एचसीएफ निकालने का बहुत सामान्य मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड मान सकते हो, पर अभी हम इसे नहीं करेंगे आपके कोर्स में प्राइम फैक्टराइजेशन में। लेकिन उस मेथड से डिटेल में सवाल करने के पहले ये एक बेसिक बात आपको समझाना मैं चाहता था, जो मैंने आपको समझा दी है। अब एक खास बात और सीखो कि दो संख्याओं का गुणा करो चाहे उनके एचसीएफ एलसीएम में गुणा करो, बात बराबर है। संख्या कौन सी थी, 8 और 12, अगर मैं 8 और 12 का गुणा करूं तो 12 96, और अगर इनके एलसीएम में से वो गुणा करूं, एलसीएम कितना आया था 24, एचसीएफ कितना आया था 8, नहीं एचसीएफ आया था 4, तो 24 चौका 96, यानी कि अगर मैं दो संख्याओं को ए और बी बोलूं तो उनके एलसीएम एचसीएफ को एल और एस बोलूं, ए इंटू बी करूं या एल इंटू एस करूं, ये बराबर आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताई मैंने, इससे क्या होगा, दो संख्याएं पता हो एलसीएम पता हो तो एचसीएफ निकल जाएगा, एचसीएफ पता हो एलसीएम निकल जाएगा, एलसीएम एचसीएफ पता हो एक संख्या पता हो दूसरी निकल जाएगी, यानी ए निकालना हो बी का भाग लगा देंगे, बी निकालना हो ए का भाग लगा देंगे, एल और एच पता होने पर। ये आपको मैंने आज समझाने की कोशिश की है
बहुत शॉर्ट के अंदर कि भी एलसीएम एचसीएम होते क्या है। आगे ये किताब के जो प्रश्न आपको याद है, मैंने कहा था मैं जैसे 1.1 प्रश्न लिया ना, 1.1 इसके सारे जो सवाल हैं एग्जांपल क्वेश्चन मैंने एक साथ मिलाकर उनकी सीक्वेंस बनाई है, उसी सीक्वेंस में चल रहा हूँ। उस सीक्वेंस के हिसाब से ये 14 क्वेश्चन है और ये आपकी किताब के अंदर एग्जाम्पल नंबर 4 है 1.1 प्रश्न के पहले। फाइंड एचसीएम एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। संख्याओं 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएम और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा मेथड है। देखिए 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 को 3 से किया 1, 1 आ गया रोक दो भाग पूरा हो गया। तो इसके 6 के फैक्टर्स क्या हुए, 2 × 3 2 raised to 1 × 3 raised to 1। चलो ये तुम और भी कर सकते हो, ये 1 है ना, 1 को भी लिख दो यहाँ पे, 1 raised to 1 भी कर दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे 1 आता है तो अंदर इतना जरूरी है। अब 72 के देखो, 72 को 2 से डिवाइड किया। अच्छा डिवाइड कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको सिखा चुका हूं मैं, रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी, ये मेरा वीडियो नंबर 2 था। तो पहले आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए 2 से भाग लगाने की, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, फिर 19 से, फिर 23 से, और सभी आपको नियम मैंने सिखा दिए थे। 2 से भाग लगाया 36 बार, फिर 2 से लगाया 18 बार, फिर 2 से लगाया 9 बार, फिर 3 से लगाया, तो 9 में 2 का भाग जाता नहीं है, 3 बार, फिर 3 का लगाया 1 बार, तो क्या हो गया इसके फैक्टर्स, 2 की दीवार आया 2 × 2 × 2 3 दफे 2 raised to 3, 3 की दीवार आया 3 × 3 2 दफे 3 raised to 2, चलो 1 भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 raised to 1 जरूरी है। अब लेते हैं 120, 2 से भाग लगाएंगे 60 बार, 2 से भाग लगाया 30 बार, 2 से भाग लगाया 15 बार, 3 से भाग लगाया 3 × 5 = 15 5 बार, फिर 5 के लगा 1 बार, 2 की दीवार आ रहा है 1, 2, 3 तो 2 raised to 3, 3 की दीवार आ रहा है 1 बार 5, 1 बार 3 raised to 1 5, और 1 तो घेरा ही रहा है, लिख देते हैं अभी 1 raised to 1। हमने 6, 72 और 120 672 120 सबके प्राइम फैक्टर कर दिए, ये 2 raised to 1 × 3 raised to 1 × 1 raised to 1, वैसे 1 raised to 1 को आगे लिखना चाहिए था, 72 के 1 raised to 1 × 2 raised to 3 × 3 raised to 2, 120 का 1 raised to 1 × 2 raised to 3 × 3 raised to 1 × 5 raised to 1। अब एचसीएम निकालेंगे, पहले एचसीएम कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर लेने आपको, ध्यान देना एचसीएम में वही फैक्टर आते हैं जो कॉमन हो। अब कॉमन कौन कौन से इसके अंदर आप देखिएगा, 1 raised to 1 1 raised to 1 1 raised to 1, समय आ रहा है ना। अब देखो 3 raised to 1 इसमें है, इसमें 3 raised to 2 है, इसमें 3 raised to 1 है, तो 3 तो आ रहा ना, 3 लिख दिया, और इसमें छोटी पावर लेते हैं ये ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 raised to 1 है, यहाँ मान लो 3 raised to 2 होता है, 3 raised to 1 लेता। एचसीएफ में एक तो कॉमन फैक्टर लेते हैं और पावर लेते हैं उनकी छोटी वाली, तो 3 raised to 1 आ गया यहाँ, और 2 देखते हैं 2 raised to 2, यहाँ 2 raised to 1 है, यहाँ 2 raised to 3 है, यहाँ 2 raised to 3 है, छोटा कौन है 1 और 3 में से 1, यहाँ 2 raised to 1 आएगा। जो 2 की पावर है ना छोटी वाली वो काम आएगी, बड़ी वाली काम नहीं आएगी इसमें। तो 1 raised to 1 2 raised to 1 3 raised to 1 1 raised to 1 2 raised to 1 3 raised to 1, ये सब में है। अब 2 की पावर 1 तो 2 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, 1 की पावर 1 तो 1 ही होता है, और 2 3 6 और 6 कम 6 6 आ गया। तो ये हमने पहले आपको बेसिक मेथड से भी हमने बताया था एचसीएम निकालना, 6 ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या होता है कि हर फैक्टर आता है, एलसीएम में कोई फैक्टर छूटता नहीं है, चूकता नहीं है, सब फैक्टर है, और पावर कौन सी आएगी, बड़ी वाली। तो देखिए 2 3 1, यानी ये जो हमने फैक्टर्स किए हैं सभी के, इन सब के अंदर एक भी अगर फैक्टर है वो कॉमन होना जरूरी नहीं, इसके अंदर एक बार भी कोई फैक्टर आ गया वो ऐसे में आएगा। तो देखिए यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3 और 5 है, तो 1 2 3 और 5 आए, तो 1
टू थ्री और फाइव आ गए। अब लेंगे पावर कौन सी, बड़ी वाली वन की पावर, सब में वन ही है तो छोटी बड़ी जो भी को यही है वन की पावर वन, टू की पावर यहाँ वन है, यहाँ थ्री है, यहाँ थ्री है, बड़ी कौन हुई थ्री, तो टू की पावर थ्री आ जाएगी यहाँ पे। थ्री की पावर यहाँ वन है, यहाँ टू है, यहाँ वन है, बड़ा कौन है टू, तो थ्री की पावर टू आ जाएगी। फाइव की पावर, फाइव की पावर एक ही है वन, तो फाइव की पावर आ जाएगी, ये एलसीएम हो गया। टू की पावर से कितनी होती है दो इंटू दो इंटू दो आठ, तीन की पावर दो क्या होता है तीन इंटू तीन नौ, पांच की पावर एक पांच होता है, और एक की पावर एक तो एक ही होता है। अब आप गुणा कर दो, आठ का नौ से करो बहत्तर आ गया, और पांच के एक से पांच आ गया, बहत्तर पंजे तीन सौ साठ, तीन सौ साठ जो है वो छ बहत्तर और एक सौ बीस का एलसीएम है, यानी तीन सौ साठ वह छोटी छोटी संख्या है जिसमें छ बहत्तर और एक सौ बीस का भाग चला जाता है। सी सिक्सटी इज दैट लोएस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय सिक्स सेवेंटी टू एंड वन ट्वेंटी, यानी इन तीनों से भाग लगाना हो, इससे भी इससे भी इससे भी, तीन सौ साठ से छोटी कोई संख्या नहीं होगी, थ्री सिक्सटी से छोटी कोई संख्या नहीं होगी, इट इज एलसीएम एंड इट इज एलसीएम। तो ये आपको मैंने बता दिया। अब आपको अभाज्य गुणनखंड की विधि से कैसा भी सवाल करना हो आप इस तरह से कर सकते। अब हम जरा फास्ट काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर तीन, ये पांचवा क्वेश्चन है मेरी सीक्वेंस की तरफ, चौथा और ये पांचवा, ये आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर तीन है 1.1 के अंदर। आपको इस तीन क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर जो तीन है ना उसमें तीन भाग है, पहला दूसरा तीसरा, बारह पंद्रह इक्कीस का निकालना है, सत्रह तेईस उन्तीस का निकालना है, और आठ नौ और पच्चीस निकालना है। पहले निकालते हैं बारह पंद्रह इक्कीस का, बारह पंद्रह इक्कीस प्राइम फैक्टर्स किए, दो से भाग लगाया छह बार, दो से लगाया तीन बार, तीन से लगाया एक बार, टू रेस टू टू इंटू थ्री, आप इसको यहाँ भी वन रेस टू वन कर सकते हो। यहाँ देखिए तीन से लगाया पांच बार, पांच से लगाया एक बार, तो ये थ्री की पावर वन, फाइव की पावर वन और वन की पावर भी वन लगा देना चाहिए। इक्कीस में तीन से भाग लगाया सात बार, सात से लगा एक बार, तीन सात एक, तीन की पावर एक, सात की पावर एक, एक की पावर एक। अब निकालना पहले एलसीएम, ऐसे में सब कुछ आता है, कोई चीज नहीं छूट दी है, कोई चीज ऐसे में नहीं छूटेगी, तो सारे फैक्टर आएंगे, टू थ्री वन तो है, फाइव भी है और सेवन भी है, देखो टू थ्री वन फाइव और सेवन, कोई फैक्टर छूटना नहीं चाहिए, तो टू थ्री वन फाइव सेवन सारे आ गए। अब पावर कौन सी आएगी एलसीएम में, बड़ी वाली, तो दो के अंदर यहाँ दो है पावर, बस दो ही है, दो ही पावर दो, तीन की पावर यहाँ एक है, यहाँ एक है, वहां भी एक है, देखा जाएगी, पांच की पावर यहाँ एक है, एक बार आ जाएगी, सात की पावर वहां एक ही है और एक की पावर एक ही है। आप देखेंगे दो की पावर दो चार होता है, तीन की पावर एक तीन, पांच की पावर एक पांच, सात की पावर एक सात, एक की पावर एक एक, तो आप गुणा करेंगे इन सबको तो ये कितना आएगा, चार इंटू तीन बारह, पांच से पैंतीस, इनकम पैंतीस, और पैंतीस को बारह से गुणा करेंगे तो आएगा 420, 420, 12 पंजे 60, हासिल की 6, 12 तिया 36, 6 बाईस 420। हम कहेंगे ये जो तीन संख्या है 12, 15, 21, इनका LCM 420 है। देखिए ये जो मैंने काम किया इसको ध्यान से देखो, आपको जब परीक्षा में अपने क्वेश्चंस करने हो ना ऐसे करेंगे, प्लांट वे के अंदर अच्छे से आंसर लिखेंगे, सिखाएंगे, बॉक्स बना उत्तर लिखेंगे, ठीक रहेगा। अब एससीएम निकालते हैं, एससीएम होता है कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर में देखिएगा वन की पावर वन तो सब में आ रहा है। अब आप देखेंगे दो यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, दो नहीं आएगा, तीन यहाँ भी है, यहाँ भी है, वहां भी है, तीन आएगा, पावर इसमें आती है हमेशा कौन सी वाली, छोटी वाली, सभी के अंदर छोटी वाली वन ही, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, वहां भी वन है, बस और कुछ भी कॉमन नहीं है। पांच यहाँ है पर इन दोनों में नहीं है, सात यहाँ है पर इन दोनों में नहीं है, तो कॉमन फैक्टर इसके अंदर वन और थ्री है, बस क्या थ्री की पावर वन थ्री होता है, वन की पावर वन वन होता है, और थ्री इंटू वन थ्री होता है, थ्री आ गया। ये जो संख्या थी आपकी बारह पंद्रह इक्कीस, इनका एससीएम आया थ्री, तो एलसीएम 420, एससीएम थ्री। इसी तरह से मैंने ये सत्रह तेईस उन्तीस से निकाला, ये खुद देखिए अभाज्य संख्या है, तो सत्रह जो है सत्रह में सत्रह का भाग जाएगा और किसी का भाग जाएगा ही नहीं,
सत्रह एकम सत्रह, तो क्या आ गया इसके अंदर, सत्रह बराबर सत्रह इंटू एक की पावर एक, सत्रह की पावर एक इंटू एक की पावर एक, तेईस में क्या आ जाएगा, तेईस की पावर एक इंटू एक की पावर एक, और उन्तीस में क्या, उन्तीस की पावर एक इंटू एक की पावर एक, और अब देखिएगा, अब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको मैंने एक बात बताई थी, एलसीएम के अंदर सारे फैक्टर्स आते हैं, कोई फैक्टर छोड़ता नहीं है, तो देखो सत्रह भी है, तेईस भी है, उनतीस भी है, एक भी है, तो और सबकी पावर आती है कौन सी वाली, बड़ी वाली, सबकी पावर वन ही है, सत्रह की पावर एक इंटू तेईस की पावर एक इंटू उनतीस की पावर एक इंटू एक की पावर एक, सत्रह की पावर एक सत्रह होता है, तेईस पावर एक तेईस होता है, उनतीस पावर एक उनतीस, और एक की पावर एक तो एक ही होता है। अब आप पहले गुणा करेंगे सत्रह का तेईस से, और फिर करेंगे जो आएगा उसका उनतीस, ये गुणा तो आप रफ में कर सकते हैं, तो ये गुणा करके आप जब प्राप्त करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा 11,334। देखिएगा 29 इंटू तेईस गुणा आपको करना ही पड़ेगा एग्जाम में भी रफ के अंदर, तीन नम सत्ताईस हासिल की दो, तीन दून छह दो आठ, दो नम अठारह हासिल की एक, दो दून चार एक पांच, तो सात आठ आठ सोलह हासिल की एक, पांच और एक छह, छह सड़सठ, उनतीस देर हो गया। अब सत्रह सात सात उनपचास हासिल की चार, साचिंग बयालीस और चार छियालीस हासिल की चार, साचिंग बयालीस चार छियालीस, सात सात पचास हासिल की चार, साचिंग बयालीस चार छियालीस, छियासी की चार, साचिंग बयालीस चार छियालीस, पंच गुणा करेंगे तो सिक्स सिक्स वन ही आएगा, नौ छह सात तेरह हासिल की एक और छह सात छह तेरह हासिल की एक और चार पांच और छह ग्यारह, ग्यारह हजार तीन सौ, मैं इसको चार बोलिए नौ है भाई, वो दिखने में चार दिख रहा है, ये नौ है, नौ है, ग्यारह हजार लिखा ना, ग्यारह हजार तीन सौ उनचालीस, इलेवन थाउजेंड थ्री थर्टी नाइन, इलेवन थाउजेंड थ्री थर्टी नाइन इज एलसीएम ऑफ सेवनटीन ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी नाइन। एक बार समझ लें, हमें जिन तीन नंबर्स का एलसीएम निकालना है, अगर वो सारे प्राइम फैक्टर्स हैं तो उनको गुणा कर दो सिंपली, ये शॉर्टकट मेथड है, और विधि से करना होती विधि। अब निकालेंगे एलसीएम, सॉरी अब निकालेंगे एससीएम, एससीएम में आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और पावर आती है कौन सी छोटी वाली, तो देखो सत्रह तेईस उनतीस में से कॉमन कुछ भी नहीं है, लेकिन एक समय आ रहा है देखिए वन, वन की पावर वन, वन की पावर वन जो होती है वो वन ही होती है, इससे कितना आ गया वन आ गया इसका। अब जरा अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन जो था तीन बार था, आठ नौ और पच्चीस का ये है ना, ये देखिएगा आठ नौ और पच्चीस का, आठ के फैक्टर्स किए, दो से भाग लगाया दो चौका आठ, दो से लगाया दो दून चार, दो ये दो तीन बार आ रहा ना, दो की पावर तीन इंटू एक की पावर एक लिख दो यहाँ पे, यहाँ तीन इंटू तीन, तीन की पावर दो और एक की पावर एक भी लिख दो यहाँ पर, यहाँ पांच से लगाया फिर पांच लगाया, पांच की पावर दो, यहाँ एक की पावर एक भी लिख दो। ऐसे में निकालना है, ऐसे में सब कुछ आता है, कुछ ही छूटता है, जो भी फैक्टर है सारे आते हैं ऐसे के अंदर, तो दो आएगा, एक आएगा, तीन आएगा, पांच आएगा, दो तीन पांच आ गया और एक भी आ गया, चलो एक की पावर एक ही है, दो की पावर, अच्छा पावर आएगी बड़ी वाली, यहाँ तीन है पावर दो की, तो तीन ही आएगी, यहाँ तीन की पावर दो है, तीन की पावर दो आएगी, पांच की पावर दो है पांच, और एक की पावर एक ही है, दो की पावर तीन कितना होता है दो इंटू दो आठ, तीन की पावर दो तीन इंटू तीन नौ, पांच की पावर दो पच्चीस, और एक की पावर एक तो एक ही होता है, आठ इंटू नौ बहत्तर, पच्चीस एकम पच्चीस, और पच्चीस को बहत्तर से गुणा करेंगे तो अठारह सौ आएगा, देखिए गुणा किया हुआ है, कहीं ना कहीं गुणा किया होगा मैंने, या ऐसे ही कर दिया होगा, तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं मुखजवानी, पच्चीस दूना पचास की जीरो हासिल की पांच, पच्चीस सत्ताईस सौ पचहत्तर पांच एक सौ अस्सी, ऐसे में कितना आ गया अठारह सौ। अब निकालते हैं एस सी एफ, एस सी एफ देखो आप, एस सी एफ आप देखेंगे ध्यान से अगर, तो दो इसमें है, दो इसमें है, इन दोनों में नहीं है, दो नहीं आएगा, एक तो सब में होता ही है, अब तीन इसमें है पर बाकी दोनों में नहीं है, पांच इसमें है बाकी दोनों नहीं है, तो बस एक ही आ रहा है, और एक ही पावर एक ही है, और आप जानते हैं एक की पावर एक तो एक ही होती है, आंसर इसका आ गया एक आ गया, तो ये जो तीन नंबर थे ना इनका एलसीएम आया 1800, एलसीएम आया एक।
अब देखिए अगला सवाल, छठा सवाल हमारे सीक्वेंस का, और किताब में क्वेश्चन नंबर 2 है 1.1 प्रश्नावली में। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो, उसकी जांच कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ के गुण के बराबर होता है, इसे करना है। यानी हमें ये तीन क्वेश्चन करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। पहले में 2691, दूसरे में 510 और 92, तीसरे में 336 और 54। हमने इन तीनों प्रश्नों में एलसीएम एचसीएफ निकालने हैं और इस बात को वेरीफाई करना है कि संख्याओं का गुणा और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा बराबर होता है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे 2691 मैंने कर दिया, 26 को 2 से भाग लगाया 13 बार, फिर 13 में 13 का भाग 1 बार, इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 2 × 13 × 1, यानी 2 की पावर 1 × 13 × 13 की पावर 1 × 1 की पावर 1। यहाँ 91 में आप देखेंगे 7 का भाग जाएगा 13 बार, 13 का भाग जाएगा 1 बार। 91 में ना तो 2 का भाग जाता है, ना 3 का, ना 5 का, सीधा 7 के जाएगा। ये आपको मैं रूल्स ऑफ जो डिविजिबिलिटी से समझा चुका हूँ, इसलिए ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं बताऊंगा कि मैंने पहले 7 का भाग क्यों लगाया। मैंने उसके पहले 2 के बारे में सोचा था नहीं जाएगा, 3 का सोचा, 5 का सोचा, फिर 7 का सोचा, ये हो गया। आप रूल्स बताए थे ना, उसको देखो आप, क्या रूल तो याद है 7 का, इकाई अंक का दुगना करो, उसको शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाओ। 1 का दुगना 2 होता है, 2 घटाएंगे 9 में से 7 आता है, 7 7 से डिवाइड होता है, तो 7 से भाग जाएगा, 13 बार भाग गया। 7 × 7 2 बचे 21, 7 × 21, फिर 13 × 13 का एक बार गया। 2 91 के फैक्टर्स क्या हो गए, 7, 13 और 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1 और 1 की पावर 1। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम में सब कुछ आता है, 2 भी आएगा, 13 भी आएगा, 7 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 होता है, एलसीएम में हर कुछ आती है, पावर आती है, सबसे बड़ी वाली सबकी पावर 1 ही है इसमें। तो 7 की पावर 1 7 होता है, 13 की पावर 1 13 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 1 की पावर 1 होता है। अब आप देखेंगे 2 × 1 2 और 13 से 91, 91 2 से गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा, एलसीएम आ गया 182। अब एचसीएफ, एचसीएफ में कॉमन फैक्टर आता है, देखिए अब 1 तो सब में है, 1 देखो इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो 1 की पावर 1 2 दोनों में कॉमन ही आएगा। अब 13 देखो यहाँ पर भी है, 13 देखो यहाँ पर भी है, और छोटी पावर देते हैं, पावर दोनों में 1 ही है, बड़ी है मतलब बराबर है, 13 की पावर 1 13 पावर 1 भी आएगा। अब 7 यहाँ तो है पर यहाँ नहीं है, 2 यहाँ पर वहाँ नहीं है, तो 13 और 1 ही ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसमें भी आ रहा है उसमें भी आ रहा है, और पावर कम वाली, तो 13 की पावर 1 13 होती है, और 1 की पावर 1 1 ही होता है, 13 × 1, और 13 × 1 13 हमारा आंसर आ गया। अब है देखिए मैं इसको चेक कर रहा हूँ, अब हमें क्या जांच करनी है, वी हैव टू वेरीफाई दैट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी संख्याओं का गुणनफल और उनके लघुतम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती का गुणा बराबर होता है। देखिए अब नाउ एलसीएम इनटू एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या था 182, एलसीएम था इसका 182 और एचसीएफ कितना था 13, तो मैंने 182 को 13 से गुणा किया, आया 2366। देखो ये मुख्य मैंने कर दिया होगा, 13 × 26 = 6 हासिल की 2, 13 × 104 और 2 × 106 हासिल की 10, 13 × 13 = 10 = 23, मुख्य मनी हो गया। अब मैंने क्या किया, 26 का गुणा किया 91 से, ये दो नंबर थे ना 26 और 91, इनका गुणा किया, ये मैंने तो यहाँ किया हुआ है, मुझे 26 का पहाड़ा याद नहीं था इसलिए मैंने गुणा कर दिया है, 26 को गुणा किया 91 से, पहले 1 का किया फिर 9 से किया, ये आया 2366 आ गया। आपने क्या देखा, ये और ये बराबर है कि नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर नंबर्स जो दे रखे हैं उनका गुणनफल, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर 26 × 91, ये प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। इसी तरह से आप अब करेंगे, मैंने ये कर रखा सॉल्व, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं आराम से। मैंने 510 का निकाला फैक्टर्स, तो ये आ गया, आप चाहो हर एक में 1 की पावर 1 भी कर दो साथ में, मैंने किया नहीं था, जरूरत नहीं समझी लेकिन करना चाहिए, ठीक रहता। फिर मैंने
इसी मेथड से जो ऊपर बताया अब तक, मैंने 510 का जब निकाला एचसीएफ तो 2 आया, और जब मैंने 510 और 92 का 510 और 92 का मैंने निकाला एचसीएफ तो 2 आया, और जब मैं 510 और 92 का एलसीएम निकाला तो आया 23,460 23,460 ये ना आपके प्राइम फैक्टर्स आपके सामने, ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। ऐसे में सब फैक्टर्स आएंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 17 आएगा और 23 भी आएगा। देखिए ये यहाँ पे देखेंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 17 आएगा, 23, एक तो फिर है ही है, 1 की पावर 1 लिख दो यहाँ पे, सबकी बड़ी बड़ी पावर, 2 की पावर 2 लिखी मैंने, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 1 है। ऐसे में बड़ी पावर लेते हैं ना, 2 की पावर 2 ली जाएगी। अब 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 1 5, 17 की पावर 1 17, 23 की पावर 1 23 और 1 की पावर 1 1 होता है। अब गुणा करेंगे 5 × 3 15 15 64 60 आ गया, गुणा करेंगे 17 का 23 से तो 391 आ गए, और 1 × 1 300, फिर मैंने 391 का गुणा किया है 60 से, ये आ गया। ये गुणा अपन मुक्ति में नहीं कर सकते हैं, इस जीरो को भूल जाओ, ये जीरो भूल जाओ, 6 याद रखो, तो 6 × 6 6 न माने 54 हासिल के 5 6 18 5 23, एक जीरो लगा दो, 23 460। अब मैंने क्या किया कि जो ऐसे में 23 460 और ऐसे में 2 इनका गुणा किया तो आया 46,920, और मैंने जो संख्याएं थी 510 और 92 इनका भी गुणा किया, इनका जो गुणा करेंगे 510 और 92 का, गुणा करके बताया आपको, ये भी 46,920 ही आया। ये दोनों बराबर एक नहीं है, सिद्ध हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। इसी तरह से आप देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व कर चुका हूं पूरा, आप अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने 336 के प्राइम फैक्टर्स किए, तो 2 की पावर 4 × 3 की पावर 1 × 7 की पावर 1 × 1 की पावर 1, 54 के प्राइम फैक्टर, तो 2 की पावर 1 × 3 की पावर 3 × 1 की पावर 1। अब निकालेंगे अपन एलसीएम, ऐसे में सारी पावर्स आती हैं और पावर बड़ी वाली आती हैं, तो देखिए 2 3 1 2 3 1 को 7 भी आएगा, 2 3 7 और 1 तो खैर लिखता नहीं, हमें लिखना चाहिए, और पावर्स में देखिए बड़ी वाली आती है, यहाँ कितनी 2 की पावर 1 है पर यहाँ 2 की पावर 4 है, बड़ी पावर कौन सी भी 4 थी, देखिए 4 आ गई, 3 की पावर यहाँ 3 है पर यहाँ 1 है, बड़ी कौन सी हुई 3, 7 की पावर हालांकि इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा ना सर, देखिए 1 ही है, 1 की पावर 1, और 2 की पावर 4 16 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 7 की पावर 1 7, 1 की पावर 1 होता है 7 के 7, फिर हम लोग गुणा करेंगे आपस में तो 16 और 27 का 7 से गुणा करेंगे 189, और 189 को 16 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3024। ये देखिए गुणा करता हूँ, 189 को मैंने 16 से गुणा किया हुआ है 3024, रब काम साइड में करता हूँ मैं। अब एससीएफ में क्या होता है कि कॉमन फैक्टर आते हैं, तो देखिए एक सब में आ रहा है, 2 3 यहाँ है, इसमें 2 आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 1 भी आएगा 2 भी आएगा 3 भी आएगा एससीएफ में, 1 भी आएगा 2 भी आएगा 3। दो अब पावर कौन सी आती है, छोटी वाली, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, छोटी पावर कौन सी 1, तो 2 की पावर 1 आएगी, 3 की पावर यहाँ 3 है पर यहाँ 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 ही आएगी। हमेशा ध्यान देना एससीएफ निकालने में कॉमन फैक्टर आते हैं और पावर छोटी वाली आती है, ऐसे में निकालने में सारे फैक्टर आते हैं और पावर बड़ी वाली आती है, तो 2 × 3 6 × 1 6। हमने क्या देखा, एलसीएम आया 3024, एसएफ आया 6, मैंने एलसीएम का एसएफ गुणा किया 336 का, ये 3024 का 6 से गुणा किया, 18,144 आया। फिर मैंने क्या किया, संख्याओं का गुणा किया, किसका, ये जिनका 336 और 54, देखो मैं 336 54 का भी गुणा किया है, ये 18,144 आ गया, 18,144, ये दोनों सेम एक नहीं है, हमने क्या प्रूव कर दिया कि संख्याओं का गुणा और उनके एलसीएम एससीएफ गुणा बराबर होता है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन, इसको मैंने सातवां लिया है, इसमें क्या है कि
एलसीएम एससीएफ को लिखने का तरीका बदल दिया। गिवन दैट एससीएफ ब्रैकेट में 306.657 = 9, इसका मतलब यह है कि 306 और 657 का एससीएफ 9 है। फाइंड एलसीएम ऑफ 306 और 657, यानी अगर 306 और 657 का एससीएफ 9 है तो 306 और 657 का एलसीएम पता करो, या इंग्लिश में बोलूं, इफ एससीएफ ऑफ 306 और 657 इज 9, देन फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 और 657। अब हमें वो फॉर्मूला पता है ना, रूल एल इंटू एच बराबर ए इंटू बी, यानी कि एलसीएम इंटू एससीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, ये रूल पता है हमको, हमने सिखाया था आपको अभी आज की तारीख में। तो अगर हमको एल निकालना तो कैसे निकालेंगे, ए इंटू बी अपॉन एच। अब ए और बी संख्याओं को गुणा कैसे निकालेंगे, 306 और 657, 306 और 657, और एच आपको दे रखा है, कितना दे रखा है एससीएफ 9 दे रखा है, 9 का भाग लगा दिया। अब 306 को 9 से भाग लगाएंगे, 9 * 9 = 27, 3 * 9 = 36, फिर 657 को 34 गुणा किया, 657 को 34 मैंने गुणा तो यहाँ किया हुआ, 657 को 34 मैंने गुणा किया, यहाँ पे 22,338 आया, ये आंसर आ गया 22,338, ये आंसर आ गया 22,338। अब आठवां क्वेश्चन आपकी किताब का एग्जाम्पल नंबर 3 है, find the SCF of 96 and 404 and by the prime factorization method, yani aapko find the SCF of these two numbers 96 and 404 by the prime factorization method and hence find their LCM, yani ki 96 aur 404 ka pehle to SCF nikalna hai aur uski sahayata se aapko LCM pata karna hai. Pehle maine kya kiya, 96 aur 404 ke prime factor nikale, 96 ke dekhi 2 se bhag lagaye, ye pata hai aapko sara, तो 96 की फैक्टर तो 2 कितनी बार आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार, 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 और इंटू ए की पावर 1, ये 96 के प्राइम फैक्टर्स हो गए, इनके फैक्टर की। अब 404 2 से भाग लगाया 200 भाग लगाया 101 का भाग ही रहेगा, 101 अभाज्य संख्या है, तो 2 की पावर 2 इंटू 101 की पावर 1 और इंटू ऑफकोर्स 1 की पावर 1 लिखेंगे यहाँ पर। हमें क्या निकालना है, एससीएफ निकालना है, एससीएफ कैसे निकालेंगे, देखो एससीएफ में कॉमन फैक्टर आते हैं, तो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो एससीएफ क्या आएगा, 1 की पावर 1 और 2 की पावर, देखिए यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 5, छोटी पावर कौन सी, 2, 2 की पावर 2 आएगी बस, 101 इसमें पर उसमें नहीं है, 3 इसमें पर इसमें नहीं है, तो ये आएगा 1 * 2 की पावर 2 = 4, 4 * 1 = 4, ये 4 आ गया, ये मैंने लिए पेचली किया हुआ, ये आगे देखिएगा 2 * 2 * 1 = 4, 4 आ गया, ये आंसर आ गया हमारा, ये आंसर को निकालना था एससीएफ ऑफ 96, 404 = 4। अब देखिए हमको ये रूल पता है कि एलसीएम इंटू एससीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है, यानी एलसीएफ इंटू एससीएफ इज इक्वल टू 96 * 404, आपको नंबर दे रखे थे यहाँ पे 96 and 404, इट इम्प्लाइज एलसीएम इंटू एससीएफ इज इक्वल टू, ये अच्छा हमको एलसीएम निकालना है, इधर एससीएफ का गुणा हो रहा है ना, उधर ले जाएंगे एससीएफ को तो भाग लग जाएगा 96 * 404, और बाकी से लगाएंगे एससीएफ 4 का, और 404 में 4 का भाग लगाएंगे 101 आएगा, और 101 को गुणा करेंगे 96 से, ये देखो मैंने गुणा कर रखा है 101 का 96 से साइड में, 9696, सो 9696 इज द एलसीएम ऑफ द टू गिवन नंबर्स। पहले हमने एससीएफ निकाला और उसके बाद में निकाला, ये प्रश्न जो है ये अगली वीडियो में होगा। तो मुझे आशा है कि आपको जो मैंने आज इस वीडियो में सिखाया है वो सारा आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। ये मेरे मोबाइल नंबर है 9521663096-2166-3064, आप इस नंबर पर जो भी हो कहीं पर भी पूरे भारतवर्ष में जो मेरा वीडियो देख रहा है, वो अगर कोई भी समस्या हो इस चैप्टर से नहीं बल्कि 10वीं क्लास की पूरा सीबीएसई कोर्स कहीं से भी क्वेश्चन ले लें आप, कोई भी समस्या, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी भैया बहन अगर मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करेगा और अपनी समस्या व्हाट्सएप द्वारा मुझे बताएंगे तो मैं उसका समाधान निःशुल्क करूंगा। ओके, मुझे आशा है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। आपसे एक आशा और करता हूँ, ये जो मेरा YouTube चैनल है मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी, आप इसको सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो,
लाइक करें, वीडियोस को अच्छे लगते हो तो शेयर भी करें और अपने कमेंट्स जरूर डालें, ठीक है। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू और जय श्री राम।